नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व धनु राशि के लिए फरवरी 2023 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं लगन और राशि दोनों के आधार पर वीडियो डालती हूँ। अगर आपका मकर लगन व धनु राशि का कम्बिनेशन बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। मकर लगन का क्या अर्थ है? ये हमारी लगन कुंडली है। इसके पहले भाव में 10 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है हमारा मकर लगन है। और चंद्रमा द्वादश भाव में 9 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मकर लगन व धनु राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। मकर लगन व धनु राशि के लिए फरवरी माह कैसा जाएगा? ग्रहों की स्थिति लगन और राशि दोनों से इस बात का संकेत दे रही है कि मकर लगन से बात करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन करके लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं, और धनु राशि से शनि महाराज तीसरे भाव में आ चुके हैं जहां का शुभ फल देते हैं। तो मकर लगन व धनु राशि वो कम्बिनेशन है जिसको फरवरी के माह में निराशा नहीं होगी। वो जिन चीजों की उम्मीद लगा के बैठे हैं वो काफी हद तक उनको मिल सकती है। सबसे पहले बात करें कैरियर की। आप लंबे समय से कैरियर में किसी प्रकार का परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे तो फरवरी के माह में आपको अचानक ही कोई नया अवसर आ सकता है। जैसे आप सोच रहे थे कि मैं जॉब बदलूं तो फरवरी के माह में आपके पास जॉब बदलने का ऑप्शन आ सकता है, या आप लंबे समय से जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिलने की संभावना बन सकती है, या अचानक आपके प्रमोशन की संभावना बन सकती है। क्योंकि अष्टमेश का संबंध दशमेश शुक्र से जाकर बना है, अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का और परिवर्तन का, तो फरवरी का महीना आपके कैरियर में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखा रहा है। वो परिवर्तन भी अचानक ही होगा आपके संग, अचानक ही आपके पास ऑप्शन आएगा, चाहे वो आपको जॉब मिलने की बात हो या प्रमोशन मिलने की बात हो, और व्यापार में भी हो सकता है इस माह आप किसी नए काम की शुरुआत करें। मकर लगन व धनु राशि को फरवरी के माह में भाग्य का साथ मिला हुआ है, जो कि शुभ संकेत है। भाग्य का साथ मिलने का यह अर्थ है कि हम जो भी मेहनत फरवरी माह में करेंगे हमें उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस वर्ष को यात्रा करना चाहते थे तो उसके लिए फरवरी का माह काफी अच्छा है। आपके विदेश यात्रा की भी संभावना है, और अगर और भी किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसकी संभावना भी बनती है, क्योंकि इस माह आपका दशमेश जो है माह के अंत में तीसरे भाव में रहेगा, जो काम के सिलसिले में किसी प्रकार की यात्रा का संकेत दे रहा है। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका इस माह ट्रांसफर होने की भी संभावना बनती है। इस माह ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि या तो आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है या आपके द्वारा प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है। क्योंकि धनु राशि से देखें तो गुरु चौथे भाव में चल रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है, और कुछ समय के बाद माह के अंत में शुक्र भी गुरु के संग युति कर लेगा। शुक्र होता है वाहन का कारक, लग्जरी सामान का कारक, तो इस माह आपके घर में कुछ वैभव विलासिता का सामान आ सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, आप किसी बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और धन की बात करें, क्योंकि लगन और राशि दोनों से ही आपका लाभ भाव एक्टिवेट हो रहा है, जो रेगुलर इनकम का भाव होता है, तो धन के लिए फरवरी का माह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि इस माह में सावधानियां कौन सी रखनी है। पहली बात, इस माह आपका अष्टमेश सूर्य जो है कुटुंब के भाव में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी, कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है। साथ ही इस माह खर्चे आपके अधिक होंगे जिसके कारण आपको सेविंग करने में प्रॉब्लम होगी, और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अचानक ही इमरजेंसी की संभावना बन सकती है, क्योंकि मंगल का भ्रमण जो है पंचम भाव में हो रहा है। साथ ही मंगल पंचम भाव से आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है, इसलिए वाहन भी बिल्कुल सावधानी से चलाइए, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना बनती है। तो मेरा ये मानना है अगर आप मकर लगन व धनु राशि के जातक हैं तो फरवरी का ये माह आपके लिए 68% तक बढ़िया जाने वाला है। इस माह आपका दशमेश भी अपनी उच्च राशि में रहेगा। 68% का मीनिंग है ये काफी अच्छी परसेंटेज है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपने इस माह के लिए जो कुछ सोचा हुआ था, जो प्लान कर रखा था, उसके होने की काफी अधिक संभावना है। साथ ही अगर आपकी दशाएं शुभ हुई, जैसे शनि की, शुक्र की या बुध की दशाएं अंतर्दशा चल रही होगी, तो ये परसेंटेज 68 की जगह 70 भी आ सकती है। लेकिन तब भी ये परसेंटेज इस बात का संकेत दे रही है कि मकर लगन व धनु राशि के लिए ग्रहों का गोचर काफी हद तक पॉजिटिव है। अब ये गोचर का आपको कितना रिजल्ट मिलेगा ये निर्भर करेगा आपकी कुंडली में दशाएं कैसी चल रही हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मकर लगन व धनु राशि के लिए फरवरी का माह 18% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।